functionalization ceremony and inauguration of 33 numbers of project in presence of Sri Pasang Dorji Sona, Honorable Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Engineer Tumk Bagra, Honorable. Yes, the people of Naparada will enjoy the inspirational story. Can we have the clip? जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के। थैंक यू मैम, काइंडली टेक योर सीट। नाउ रिक्वेस्ट सीएम साहब, आपने हमेशा हमें बड़ा सपना देखना सिखाया है। आप हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं। आप जो भी सेंट्रल जोन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए आप अभी तक किया है और आज करने जा रहे हो, उस अवसर पर हम जेआर के भी एक छोटा सा अपना सपना लेकर आपके समक्ष आए हैं। आपने जेआर के को बहुत सपोर्ट किया है, आपने जेआरके को गोल्ड मेडल दिया है, आपने जेआरके को सपोर्ट किया है बास्कोन में, आपने जेआरके को सपोर्ट किया है ब्रूट में। लेकिन सर, हमारे पास में पिछले 12 साल का जो भी सर्विसेज हमने किया है, उसको हमने अपने घर में ही बैठ के, प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के घर से ही बैठ के हम लोगों ने चलाया है। हमारा खुद का ऑफिस नहीं है, इसलिए हम आज एक मेमोरेंडम आपके समक्ष आपको सबमिट करने जा रहे हैं। जेआरके को जिस तरह से आपने प्यार किया, सपोर्ट किया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस छोटे से दरख्वास्त और हमारे इस छोटे से मेमोरेंडम को आप जरूर सपोर्ट करेंगे और हमें इसका आशीर्वाद देंगे। उससे पहले जो हमारा तोदक बसार, जो आर्किटेक्ट ऑफ बसार, जिन्होंने बसार को सही तरह से साज जाज कर रखा गया था, लेकिन लास्ट 10-15 ईयर्स में 2019 के पहले एनक्रोचमेंट पे एनक्रोचमेंट किया गया था। लेकिन हम सब मुख्यमंत्री के सामने 2018 में यहाँ पे शपथ लिया बसार को, लपारादा को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। तो इसीलिए इस 5 साल में एक भी एनक्रोचमेंट नहीं हुआ और एक भी एलोटमेंट नहीं दिया गया है, ओनली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसीलिए यह हमारा मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है, यहाँ पे आके एचओडी मीटिंग करते हैं। तो इसीलिए अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी, हमारा लपारादा का डेवलपमेंट का गति कभी नहीं रुकेंगे। जिस रफ्तार से चल रहा है वो चलेंगे। तो इसीलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। हमारा पब्लिक जो है, हमारा मुख्यमंत्री से जब भी वो बसा रहता है, कुछ ना कुछ अनाउंस करके जाता है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और तुरंत एक प्रोजेक्ट भूल गया, मुख्यमंत्री आने का पहले 2019 के पहले हमारा जो कॉलेज भी एक टेम्पररी साइट में था, उन्होंने इस 5 साल में हमारा मॉडल कॉलेज को ऐसे छू दिया
तो अभी आप वहां पे जाके देख सकता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी बना चुका है, ऑडिटोरियम बना चुका है, गर्ल्स हॉस्टल बना चुका है, टीचिंग फैकल्टीज के लिए क्वार्टर्स बना चुका है, और उसके बाद वहां पे आउटडोर जिम्स और जितने भी वाटर सप्लाई और कंप्यूटर लाइब्रेरी दिया गया है, आई थिंक वो हमारा मॉडल कॉलेज भी वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, तो इसीलिए बहुत सारा डेवलपमेंट दिया गया है। तो मैं इसमें 1 करोड़ से नीचे वाला जो डेवलपमेंट को मैं यहाँ पे आज उद्घा यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया है, और बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो 1 करोड़ से बिलो है, तो इसीलिए मैं हमारा जनता लपारादा की ओर से मैं वंस अगेन हमारे मुख्यमंत्री को इस 5 साल में जिस तरह उन्होंने हमें ब्लेसिंग दिया, मैं उसको सभी जनता की ओर से थैंक्स देना चाहता हूं, और हमारा वर्ड्स जो है यहां पे मैं समाप्त करना चाहता हूं। जय लपारादा, जय अरुणाचल, जय हिंद, थैंक यू। भाइयों और बहनों, आज हम लोग का दोबारा फिर इस बसर के हमारे इस फील्ड में, जनरल फील्ड में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं एक इतिहास को विटनेस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने अरुणाचल सरकार की ओर से, मैं खास करके बसर के आप सभी निवासियों को, और साथ साथ जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, शियोमी, लेपारादा और अपना लोअर सियांग, तो सभी 5 डिस्ट्रिक्ट के हमारे पूरे जनता को राज्य सरकार के ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज फॉर्मली यहां पर अपना डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल जोन का यहां पे आज सर्टिफिकेशन यहां पे हमने हैंडओवर किया है, तो आप इसको लेके आप सभी को बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं यहां के अपने स्थानीय विधायक, साथ साथ यहां के डिप्टी कमिश्नर और इस कमिटी मेंबर्स, जो इस इवेंट के जितने भी जो कमिटी मेंबर्स हैं, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आप लोग ने इस छोटा समय में, मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। तो जैसे थोड़ी देर पहले हमारा एनकोर साहब ने भी जो बताया कि डिविजनल कमिश्नर का जो बात हुआ था वो अपना बास्कोन 5.0 6 दिसंबर 2022 को जब मैं यहाँ पे बसर में आया, तो ऑनरेबल स्पीकर ने भी जो जिक्र किया यहाँ पे कि पूरा 5 डिस्ट्रिक्ट का सभी ऑनरेबल MLAs लोग ने हमें एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, ताकि यहाँ पे बसर में अपना डिविजनल कमिश्नर को यहाँ पे सैंक्शन करके यहाँ पे देने के लिए। तो उस वक्त में हमने आप लोगों को अनाउंसमेंट किया था, और मैंने कहा था कि इसका फाउंडेशन में भी मैं खुद ही यहाँ पे आऊंगा, तो इसका अप्रूवल तो मैंने पहले ही दे दिया था, मगर मेरा टाइम का थोड़ा सा कमी होने का कारण से मैं दिल्ली यहाँ पे आ नहीं पाया। तो इस बार जैसे मैंने कहा कि हमारा तातो का भी प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम को मिलाते हुए फिर मैं कल रात को यहाँ पे आया हूँ आप सबके बीच में। सर, सबसे पहले सवाल यही है, आज आपने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है कि लेपारादा को अगर बीजेपी को अनकंटेस्ट करता है तो आप यहाँ आएंगे, अगर नहीं करता है तो आप नहीं आएंगे। जब लेकिन लोकतंत्र की बात करते हैं तो चुनाव लड़ना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल, डेमोक्रेसी में चुनाव होना चाहिए, तो हम लोग चुनाव के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। तो बेसिकली देखिए, अभी लेपारादा एक नया डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर का भी आज यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट जो है वो हैंड ओवर किया हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो पल्स जो है वो मतलब थोड़ा सा अनहेल्दी है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दोनों कट्टर होके बैठा हुआ है पब्लिक। तो मेरा आफ्टर ऑल कहना ये है कि आफ्टर ऑल मतलब डेमोक्रेसी तो होना बहुत ज़रूरी है, तो लेकिन डेवलपमेंट भी तो होना है, एंड आफ्टर ऑल अपना जगह में सुख और शांति भी होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। तो इसलिए हमने अपने ओर से अपील किया है कि आज के दिन में यहाँ पे जो भी पार्टी है, केवल सिर्फ BJP ही पार्टी है जी, बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए पार्टी जिसको भी टिकट देगा, क्योंकि 100% यहाँ पे BJP है, तो उसका अनकंटेस्ट करके बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाजपा ये बोलता है कि जो डेवलप एक्टिविटीज काम करता है और जो विनिंग पोजिशन को देख के देता है, तो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जब 18 से काउंट करता है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले
इन्होंने काफ़ी डेवलप किया है, इसको लेकर के आपका क्या सोच है सर? डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा है कि सरकार जो है हर एक जगह में हम लोग डेवलपमेंट कर रहा है, तो डेवलपमेंट का दृष्टि से हर एक जगह अभी अच्छा डेवलपमेंट ये हो रहा है। तो इसमें तो आप देखिए आज अरुणाचल प्रदेश में हर एक जगह बीजेपी का ही कमल फूल खिल के बैठा हुआ है। तो आने वाला दिनों में तो यू नो इस टोटल श्योर है कि पब्लिक ने मन बना लिया है कि बीजेपी को ही दोबारा फिर वो लोग उम्मीदवार को वो लोग वोट करेंगे। अलग अलग पार्टी से, कांग्रेस से, एनसीपी से, एनपीपी से, पीपीए से बीजेपी में शामिल होना, ये किस ओर इशारा करता है कि 2024 इलेक्शन के बाद कोई अरुणाचल में अपोजिशन नहीं होगा, और अपोजिशन जब नहीं होगा तो सरकार पर जो है आवाज़ और क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है, इसको आपको कैसे देखते हो सर? बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी जो है सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें ज्वाइनिंग का जो है अभी आप सब लोग देख सकते हैं कि काफ़ी लोग ज्वाइन ऑलरेडी हो गया है जी। लेकिन केवल टिकट्स तो एक ही है, अभी हर एक जगह सिंगल कैंडिडेट तो नहीं है, हर एक जगह कहीं में दो कैंडिडेट है, कहीं तीन, कहीं चार, किसी किसी में तो सुनने में आया 8 या 9 कैंडिडेट भी है। तो टिकट डिक्लेयर होने के बाद फिर बेबी कोई लोग अपना रास्ता पकड़ गए होंगे उसमें जी। सर अभी आपने जब आपका बात सामने सुना, आपने टूरिज्म क्षेत्र का बात किया, जब टूरिज्म का जब बात करता है, आपका सरकार पिछले 7 साल से काम कर रहा है, अभी हम लोग अपर सुबनसिरी की जब बात करते हैं, आपका टूरिज्म मिनिस्टर वहाँ से होता है, आज के समय में नाचो तकसिंग जैसे ऐसे जगह है जहाँ पर मतलब टूरिज्म के लिए रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है, जहाँ पर टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पा रहा है, और टूरिज्म मिनिस्टर वहाँ से होता है, लेकिन आप हमेशा इस बात को जिक्र करता है कि टूरिज्म आगे बढ़ रहा है, नो डाउट कि अलग अलग जगह में जरूर बढ़ रहा है, लेकिन जब हम अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं वहाँ पर टूरिज्म बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले बात तो टूरिज्म में एक मात्र सब जगह में एक साथ होना ये इम्पॉसिबल है। टूरिज्म का सभी लोगों का अपना एक चाहत होता है, टूरिज्म में कोई लोग यू नो नेचुरल ब्यूटीज़ देखना पसंद करते हैं, कोई लोग ट्रेडिशंस देखना पसंद करते हैं, कोई लोग रिलीजियस टूरिज्म में भी आते हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स का भी होता है टूरिज़्म। आपने जो सवाल पूछा है अपर सुबनसिरी का, नो डाउट पहले वहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब था, रास्ता तो रास्ता ख़राब होगा तो टूरिस्ट क्यों आएंगे? आएंगे नहीं, तो मे बी एक टूरिस्ट होने से ख़राब रास्ते में हम क्यों ट्रेवल करेंगे? मगर अभी सिचुएशन चेंज हो गया है, अभी रास्ता आ गया है, अभी अच्छा रोड हो गया है। आपने तकसिंग के बारे में मेंशन किया है, पहले तकसिंग में रोड कहाँ था? बीजेपी गवर्नमेंट ने आके तो रोड बनाया, तो अभी धीरे धीरे अभी डेवलपमेंट होगा टूरिज्म के डिस्ट्रिक्ट में। अंजाव ये अनिनी को देखिए, पहले रास्ता कनेक्टिविटी नहीं था, रास्ता बहुत ख़राब था, आज देखिए आज बीजेपी सरकार ने पूरा डबल लेन बना के रखा, आज हमारा अनिनी में जो दमबिन जो एरिया उस तरफ में है, जी जो वैली है उस तरफ जाके देखिए रास्ता बहुत अच्छा बन गया है, टूरिज्म ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले टूरिज्म को ग्रोथ कराने के लिए सरकार का ये प्रयास है कि कनेक्टिविटी हम लोग लेके जाएंगे, और भी अरुणाचल में कुछ कुछ जगह ऐसे भी है कि अभी भी रोड्स का इम्प्रूवमेंट कई सेक्टर में हमको करना है, और कई कई सेक्टर में और भी रोड हमको पहुँचाना है, ये आने वाला दिनों में बीजेपी सरकार करेंगे इस दिशा में काम। सर हेल्थ की जब बात करते हैं, हेल्थ जब हम स्टेट में बात करेंगे, हेल्थ बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर की जब बात करते हैं, टूटिंग में कूद गया हूँ, जहाँ आज के समय भी मेडिकल में करंट की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था जरूर है लेकिन लाइट कमी होता है, और 2 जनरेटर से जो है वो मेडिकल जो है ऑपरेट हो रहा है टूटिंग, जो कि हम चाइना बॉर्डर शेयर करता है। अभी हाल ही में मेरे पास एक वीडियो भी आया है जिसमें एक बुजुर्ग माँ जो है लाइट की कमी के वजह से डेथ हुआ, तो ये एक हेल्थ मिनिस्टर के जगह में इस प्रकार का कमी होना, इसको आप लोग क्या देखते हैं सर? लाइट का देखिए अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में भले ही इन जनरल वी आर ए सरप्लस बोलने के लिए, और सरप्लस हैवी है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में ये सरप्लस जो है वो पहुंचा क्या बोलने से नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि अभी हमारा जो ट्रांसमिशन का काम जो है वो चल रहा है, 132 केवीए लाइन का जो बड़ा जो ट्रांसमिशन जो लाइन है वो पूरे स्टेट में अभी चल रहा है, तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी पावर का चैलेंजेस है। मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट में देखिए तवांग में, वहाँ में भी काफ़ी चैलेंजेस है क्योंकि वहाँ में ट्रांसमिशन लाइन पहुँचा नहीं है, वहाँ में जो एग्जिस्टिंग जो हाइड्रो जो था वो लास्ट टू लास्ट ईयर लैंडस्लाइड होने का कारण से वो बह गया, इसलिए तवांग में भी मेडिकल जो मैं आ रहा हूँ आपका पॉइंट में आ रहा हूँ, तो देखिए लाइट्स का क्राइसिस तो केवल एक दो जगह में नहीं है, कई कई जगह में है लाइट का क्राइसिस, और ये टेम्प्रेरी है, आने वाला दिनों में अभी जिस प्रकार से जो ट्रांसमिशन लाइन का हम लोग जो बिछा रहा है उससे हम लोगों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और ख़ास करके मेडिकल्स में DMO जो है वो थोड़ा सा अपना ये सुरक्षित करना चाहिए कि
24/7 मेडिकल में लाइट हो, ये तो क्योंकि एक क्रिटिकल केयर वाला जो होता है पेशेंट, उन लोगों को लाइट का सुविधा वो होना चाहिए, वो मैं मानता हूँ। हाइड्रो पावर का आपने जिक्र किया, हाइड्रो पावर अरुणाचल में आगे बढ़ रहा है और आने वाला समय में हमारे लोगों को फायदा जरूर होगा, लेकिन जब हम लोग अननी की बात करते हैं, जब हम लोग ये सियांग बेल्ट की जब बात करते हैं, वहाँ का फार्मर्स जो है ये बोल रहा है कि हम लोग कून देने के लिए पसंद है लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने नहीं देंगे, क्या सरकार कभी उन फार्मर्स को बैठ करके कभी डिस्कस नहीं करता है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए? जब हाइड्रो पावर का जब शुरुआत होते हैं तो सबसे पहले पब्लिक हियरिंग भी हम लोग कंडक्ट करते हैं सरकार की ओर से, और पब्लिक हियरिंग होने का बाद तब जाके इसका सहमति होता है। तो वहाँ में ऑलरेडी पब्लिक हियरिंग प्रोसेस सारा चीज़ हो गया है, पब्लिक ने क्लियरेंस दे चुका है, कंपनसेशन भी आ गया, कंपनसेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समाज में कुछ कुछ कैरेक्टर्स लोग होता है, हमेशा कुछ ना कुछ नो, जब अच्छा चीज़ हो रहा है तो गड़बड़ बोलने वाला भी होता है, लेकिन सेइंग सो अगर इस तरह का है तो प्रशासन वहाँ में मिल के लोगों को और भी इसका प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना हो, प्रशासन आने वाला दिनों में ज़रूर करेंगे। मैं चुका सीओ में डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, अभी अब हाल ही में तातो जा करके आए हैं, मैं मनीगांव गया हूँ जहाँ पर आज नेटवर्क नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है। आपने जिक्र तो किया है कि अभी उधर प्रोजेक्ट बनने वाला है, लेकिन अभी के समय में लोगों को टेलीफोन में बात नहीं कर पाना, और रास्ते जहां पर मैं खुद गया हूं मनीगांव में, रोड कंडीशन हालत ख़राब है, हालांकि मैचुका में जो हाईवे बन रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जब मनीगांव की बात करते हैं, सीओमी डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो मनीगांव में है, और आज भी टेलीफोन नेटवर्क कनेक्टिविटी से वो लोग तरस रहा है, इसको लेकर के ये डिप्टी स्पीकर का जो है गढ़ होता है, तो स्पीकर साहब ने कभी इस चीज़ को मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा गया, आपका सरकार इसके ऊपर क्या काम कर रहा है? आपका प्रश्न से सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के तहत आप रिसर्च नहीं करते हैं जी। क्योंकि मनीगांव में मैं रिसेंटली मैं दिसंबर में जाके आया, वहाँ जाने का बाद अभी वहाँ के लोगों से भी बात हुआ, वहाँ में नेटवर्क आ चुका है। और दूसरा जो आपने सड़क का जो बात उठाया, फिलहाल सड़क का साइज़ जो है वो भी छोटा है, वो हमको पता है। अभी हम लोग ने भारत सरकार का तहत स्पीकर साहब ने इस पॉइंट को लेते हुए टट्टू टू मनीगांव अभी रोड का सेंक्शन भी हो गया है, टेंडर भी हो गया है, बहुत जल्दी काम वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। फिर तातो से लेके तलिया उसका भी सेंक्शन हो गया है, इसका भी काम जल्दी शुरू होगा। फिर टाटो टू मेचुका का तो ऑलरेडी आपको पता है ही है, काम अभी वहाँ पे कुछ कारण से दो पैकेजेस का शायद रिटेंडर करेंगे बॉर्डर रोड्स, उसका अभी बहुत जल्दी काम ग्राउंड में स्टार्ट हो जाएंगे। आने वाला दिनों में आप देखना टाटो जो है सेंट्रलाइज सीओमी का सेंट्रल पोजिशन में है, सो आलो से टाटो, इसके बाद टाटो से फर्दर फिर मेचुका, टाटो टू मनीगांव, फिर टाटो टू अपना तलिया जी। सारा जगह में डबल लेन रोड से कनेक्ट होने वाला है जी। आने वाला दिनों में 5 वर्ष के बाद में आप दोबारा फिर एक बार देखना हमने जिन जिन रोड को बारे में मेंशन किया जी। आप 3 साल के बाद या 4 साल के बाद दोबारा एक बार विजिट करके आप लोग वेरीफाई करना कि किस प्रकार से वहाँ पे चेंजेस आ रहा है। सर मैं वहाँ का रिपोर्ट लिया हूँ, मैं अभी मनीगांव में मेरा दोस्त, उनसे मैं संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ, नेटवर्क अभी नहीं है क्योंकि मैं तातो भी गया था। मैं आपके साथ डिबेट आर्गू नहीं कर रहा है, लेकिन परिस्थिति ये है कि पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था, नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं था, अभी वहाँ पे एयरटेल अभी आ गया है। कभी कभी रिमोट एरिया में होता है लाइट कनेक्शन का वजह से कभी कभी सिस्टम शायद ऑफ हो जाता है बीच में, इस तरह से कुछ शायद में भी छोटा प्रॉब्लम आ गया होगा। सर आपने APSSB और APPSC कमीशन के बारे में जिक्र किया, कमीशन और ये बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन जब भी ये दोनों जो है कमीशन जो इलेक्शन एग्जाम्स कंडक्ट करता है कुछ ना कुछ लूपहोल्स निकालता है, ये कहाँ से होता है, इसको आप लोग कैसे फिर अभी मॉनिटरिंग आप करके जो है इसको आगे बढ़ाना है सर? देखिए इसमें अगर आदमी का जो नियत सही नहीं होने से आगे का भी मतलब गड़बड़ नहीं होगा बोल के हम लोग बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह का गड़बड़ जो है वो पहले भी हुआ है, आगे का भी शायद नहीं होगा बोल के वो तो हम लोग कैसे हम बोलेंगे, क्योंकि एक ऑटोनोमस एक बॉडी है उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स करना भी ठीक नहीं है। मगर लेटेस्ट अपडेट यही है कि नया कमीशन APCS वाला लोग आके मिला है, चेयरमैन और मेंबर्स, उन लोग ने ब्रीफ किया हमको कि जितने भी जो SOP था पुराना SOP को पूरा विजिट करके नया SOP किस प्रकार से होना चाहिए, उन लोग ने पूरा तैयारी लगभग शायद अभी कर दिया बोल के हमको बताया। तो SOP सारा तैयार होने के बाद फिर वेरियस जो एग्ज़ाम्स होता है, वेरियस पोस्ट होता है, उसको जल्द से जल्द वो लोग एडवर्टीजमेंट वो लोग करेंगे। और इस तरह से खराब प्रैक्टिस को रोकने के लिए मैंने भी कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया हुआ है, उस एक्ट को भी हम लोग अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इंक्लूड करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार से कुछ प्रैक्टिस हो जाता है तो इसका सजा किस प्रकार से होना चाहिए, ये भी एक एक्ट अभी ड्राफ्ट स्टेज में चल रहा है जी। सर आखिरी सवाल, लेपा राधा में BJP टिकट किसको मिलेगा?
लेपाराजा में बीजेपी टिकट जो है उसी को मिलेगा जो पार्टी तय करेगा जी।